अपनी गोदी में रखते। जिन्होंने भी चश्मे लगा रखे हैं अपने चश्मे निकाल दें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। और एक चीज, अगर जब तक मैं ना कहूं आप लोग कोई भी आंखें ना खोलें, अगर आपके शरीर में कहीं कोई तकलीफ हो रही हो तो आंखें बंद करके ही अपने पैरों को या हाथों को या बैठने का आपका जो भी तरीका है बदलना चाहते हो तो उसे आप चेंज कर लें, लेकिन आंखें ना खोलें। जब अचानक ही हम आंखें खोल लेते हैं तो जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं वो अधिक मात्रा में हमारे शरीर से, हमारी आंखों से बाहर निकल जाती है। इसलिए आंखों को बहुत कोमलता से धीरे धीरे खोलना चाहिए। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। जहां भी आप बैठे हो अगर लाइट प्रकाश बहुत ज्यादा है तो उसे भी कम कर लें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। आपके शरीर का हर एक हिस्सा, पैर, आपकी स्पाइन, पेट, छाती, कंधे, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियों को विशेष कर बहुत ध्यान से अपने उंगलियों को ढीला छोड़ें। हमारी उंगलियों के द्वारा हमारे हाथों में बहुत सारे हमारे इमोशंस, बहुत सारी ऐसी ऊर्जा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वह इस समय आपके हाथों में स्थित है। और बहुत कोमलता से जब हम अपनी हाथों को रिलीज करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे शरीर से आसानी से बाहर निकल जाती है। उसी तरह कंधे भी सारे दिन का कार्य करके, सारे दिन आपके हर एक इमोशंस के साथ, हर एक जीवन के हमारे भार के साथ जुड़े होते हैं। कंधों का संबंध ही भार से है, इसलिए अपने कंधों को बहुत ढीला छोड़ें। अपने हाथों के साथ साथ अपने कंधों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। पैरों पर आपका ध्यान ले जाएं, पैरों को बिल्कुल ढीला रिलैक्स हो जाने दें। पैरों की उंगलियों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। घुटने, थाइस, हिप, लोअर स्पाइन, मिडिल स्पाइन, अपर स्पाइन, सभी को ढीला छोड़ दें। इस वक्त आप अपने मन की आंखों से अपने पैर और पूरी स्पाइन को महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जो भी वाइब्रेशन आपके स्पाइन में हो रही है उसके साथ जुड़े हैं। और आप अपना ध्यान अपने पेट, पूरे पेट पर लेकर आए, अपने नाभि के पास हो रही वाइब्रेशन को महसूस करें। उसके साथ एक होकर अपने पूरे पेट को रिलैक्स हो जाने दें।
पेट के कितने सारे हिस्से हर वक्त कार्य करते होते हैं। इस वक्त आप अपने सभी ऑर्गन के साथ जुड़े हैं, उन्हें रिलैक्स करें और अब अपना ध्यान अपने चेस्ट पर लेकर आए। अपने चेस्ट के बीचों बीच अपने हृदय के बीचों बीच चेस्ट एरिया के बिल्कुल मध्य में हो रही वाइब्रेशन को महसूस करें। यह वाइब्रेशन हमारे उस शक्ति स्थल की है जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, उसे महसूस करें। अपने चेस्ट एरिया को बिल्कुल स्थिर हो जाने दें, रिलैक्स हो जाने दें और अब अपना ध्यान अपने कंधों पर लेकर आए। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। जितना आप अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे उतने ही अपने पूरे शरीर में हल्केपन को महसूस करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला, हाथों की उंगलियों को बिल्कुल ढीला। आपका शरीर आपके कंधों तक बिल्कुल शिथिल हो चुका है। अब अपना ध्यान अपने गर्दन और गले तक लेकर आए। गर्दन और गले को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। यह हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी जागरूकता के साथ अपने गर्दन और गले को ढीला छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपने चेहरे पर ले जाएं। फोरहेड, आंख, नाक, कान, जॉ एरिया, कानों के पीछे का हिस्सा, सर के ऊपर का हिस्सा, दाएं बाएं पीछे, हर जगह अपने शरीर के उस हिस्से पर आप ध्यान ले जा रहे हैं, उसे स्थिर कर रहे हैं, जो कि हमारा सबसे ऊपरी भाग है, जहां हमारा वह स्थान है जहां से ऊर्जा हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में प्रवेश करती है। हमारे ब्रह्म रंध्र से स्वादिष्ठान चक्र, सहस्रार चक्रा के माध्यम से जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो हमें एनर्जाइज करती है। अभी आपका ध्यान पूरी तरह से अपने उस अग्रभाग पर है और आप अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। महसूस करें अब अपनी श्वासों को, श्वासें जो आपके नासिका द्वार से प्रवेश कर रही है और देखें आपकी श्वासें कहाँ जा रही है। उसके पीछे एक साक्षी भाव से ऑब्जर्वर की तरह साक्षी बनकर सिर्फ अपनी मन की आंखों को उसके साथ लगा दें। सांसें नासिका द्वार से प्रवेश कर रही है, उसके साथ साथ आप भी उसके साथ हो लें। फिर से श्वासें आई, फिर से उसके साथ हो लें।
जैसे ही हमारा ध्यान हम ऑब्जर्वर बनकर अपनी श्वासों के साथ एक होते हैं, हमारा मन भी उसी के साथ हो लेता है। मन के विचार इधर उधर जो भटक रहे थे, मन को भटका रहे थे, वह भी श्वासों की तरफ केंद्रित होने लगता है। इसलिए अपने ध्यान को केंद्रित करें अपनी श्वासों के ऊपर। श्वासें आ रही है, जुड़ जाए उसके साथ, एक हो जाए। हर एक श्वास को गहराई से देखें, जितने गहरे तरीके से हम अपनी श्वासों के साथ एक होते हैं, उतने ही गहरे हम अपने उच्च स्वर के साथ एक हो जाते हैं, उतने ही गहरे हम अपनी चेतना के साथ हो जाते हैं। हमारी श्वासें हमारे शरीर और हमारे उच्च स्वर के साथ जुड़ा हुआ वह रास्ता है, जिसे हमारी श्वासें जोड़े रखी है। इसलिए श्वासों के रास्ते हम अपने उच्च स्व हमारी ही पूर्ण आत्मा के साथ पूरी तरह एक हो जाते हैं, और फिर प्रवेश होता है वह आनंद, वह ऊर्जा जिसकी हम सबको हर वक्त जरूरत है। हर कार्य को करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है, जिस बुद्धि की जरूरत है, वह सब कुछ स्वतः ही हमारे पास आने लगता है। जुड़े रहें अपनी हर श्वास के साथ, और गहरे और गहरे और गहरे। हर श्वास आपको और अधिक गहराई में ले जा रही है, उस अवस्था तक पहुंचा रही है जिसे शून्य की अवस्था कहते हैं, जहां कुछ भी नहीं और सब कुछ है। वह शून्य की अवस्था जिसके साथ एक होकर हम भी उस अवस्था के आनंद को अनुभव करते हैं। जुड़े रहें अपनी हर श्वास के साथ, और गहरे और गहरे उतरते जाएं अपने साथ।
अंतिम 5 मिनट जुड़े रहें अपने साथ, हर श्वास के साथ। शरीर में महसूस करें, अपनी चेतना को शरीर के साथ जोड़ें।
ध्यान की जिस गहराई में आप जुड़े हैं, वहां से लौटने में आपको जितना भी समय लगता है, रहने दें, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत आराम से अपने आप को बाहरी दुनिया के साथ फिर से जोड़ते हुए खुद को शरीर में महसूस करेंगे। अपनी श्वासों को फिर से पूरी तरह महसूस करें और इसी समय हम अपने आप को आभार भाव से, ग्रैटिट्यूड से भरते हुए उन सभी बातों के लिए, उन सभी चीजों के लिए और उन सभी लोगों के लिए आभार को महसूस करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ी है। हम आभार व्यक्त करेंगे अपने सभी गुरुजनों का, हम आभार व्यक्त करेंगे अपने माता पिता का, हम आभार व्यक्त करेंगे इस पूरी प्रकृति का, हम आभार व्यक्त करेंगे मदर अर्थ का, हम आभार व्यक्त करेंगे अपने शरीर का, अपनी श्वासों का और आभार व्यक्त करेंगे उस ऊर्जा का जिसे अभी हमने ग्रहण किया। हम आभार व्यक्त करेंगे जीवन में मिली सभी सुविधाओं का, हम आभार व्यक्त करेंगे ग्रुप के सभी मास्टर्स का, इस ग्रुप के संचालक का, आयोजक का, ग्रुप में अभी हमें जिस सामूहिक ध्यान के साथ ऊर्जा को ग्रहण किया उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी के साथ एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप को पूरी तरह अपने शरीर में महसूस करें। एक और लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने आप को पूरी तरह अपने शरीर में महसूस करें और अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। कोमलता से अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाहर की आवाजों के साथ अपनी चेतना को पूरी तरह महसूस करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। यस फ्रेंड्स, आप सभी तैयार हो फिर से आज के स्वाध्याय को हम सुनेंगे। आज का स्वाध्याय में जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो क्लैपिंग करेंगे जिससे कि हम अपने आप को पूरी तरह शरीर में महसूस कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज के सुंदर ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद करें। अच्छा, आपको कल मुझे कल का जो हमने पढ़ा था उसके बारे में क्या आप लोगों को समझ आया, कोई मुझे बताएंगे जितना सा भी आप लोग बता सकते हो। थैंक यू रमेश जी। कल के सेशन के बारे में कोई बताएंगे? आप लोग हैंड रेज करें ऐसे, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। यस, अनम्यूट करिए अपने आप को। और कोई बताएंगे? हैंड रेज करें ऐसे।
मैंने ऑप्शन दिया है आपको। हाँ, यस, नमस्कार मैम, नमस्ते। ये बोला कल मैं को मेडिकल उसके वजह इशू की वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, तो ओके, इस वजह से मैं कल के बारे में नहीं बता पाऊंगा। वैसे और तो ठीक रहा, कंटिन्यू रहा, कल मेडिकल के परीक्षा मेरा इसलिए जी नहीं। हाँ, तो YouTube में कल का सेशन है, वो आप देख लीजिएगा। और कोई ओके, बताएंगे जो कल का सेशन अटेंड किए थे? हाँ, या फिर आप लोग हैंड रेस करें तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी। नीतू जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। अनम्यूट करिए अपना। ओके, चलिए, तो मैं ही अब आपको आप लोगों को बता देती हूँ कि कल हम लोगों ने क्या किया था, क्या समझा था। तो कल हमने हमारा टॉपिक जो था वह था कि पृथ्वी जो है वो हमारी विद्यालय है, महान विद्यालय है। तो हमने स्कूल लाइफ के से शुरू करते हुए अपने ग्रेजुएशन तक की लाइफ को समझा था, कंपेयर करते हुए अपने स्कूल और अपने लाइफ को। तो मैं बहुत छोटे कम शब्दों में इसे एक्सप्लेन थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं, जब एक छोटा बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बिल्कुल एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है। वो वहाँ जो सीखता है वो सीख करके वो अपने लाइफ में उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ता है। हम भी अपने लाइफ में जब हम धरती पर आते हैं तो हम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आते हैं। जैसे कि एक बच्चा एक स्कूल में, उसका आने का मकसद ही होता है कि वो पढ़े लिखे और लाइफ में कुछ सीखे। उसी तरह हम भी धरती पर जब आते हैं तो अपने लाइफ का पर्पस लेके आते हैं, कुछ लेसन हमें सीखने होते हैं। और वो सीखना हमें धरती पर आने की ही जरूरत क्यों है? क्योंकि धरती जो है वो डुअलिटी के साथ होती है। डुअलिटी मतलब विभिन्नताओं के साथ होती है और द्वैत के साथ होती है। जैसे कि सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब कुछ डुअलिटी जो हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, वही सीखने के लिए धरती वो सबसे परफेक्ट प्लेस है। और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जहाँ पर कि इतना कुछ डुअलिटी है और जहाँ पे कि हम इतना कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि महान विद्यालय है धरती। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी जो पूर्ण आत्मा है वो धरती पर नहीं आ सकती है, तो अंश आत्मा के रूप में हम धरती पर आते हैं। और अंश आत्मा जो है हमारी, वो बिल्कुल खाली, जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाता है बिल्कुल खाली ब्लैक बोर्ड की तरह, हम भी उसी तरह खाली ब्लैक बोर्ड की तरह धरती पर आते हैं। और फिर जैसे जैसे से हम अपने लाइफ में बड़े होते जाते हैं, घर परिवार अपने जो बड़े हैं उनसे सीखते हुए हम ऐसी कुछ चीजें सीख लेते हैं जो कि हमें सीखना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें भी सीखते हैं जो हमें नहीं सीखना चाहिए। तो ये भी क्यों होता है? बिकॉज यही डुअलिटी के वजह से ही कि यहाँ विभिन्नताएं हैं, इसलिए हमें हर चीज का एक्सपीरियंस करना है। तो कल भी कुछ लोगों के प्रश्न थे कि हम फिर तकलीफ क्यों लेते हैं? तकलीफ हमारे लाइफ में वो भी एक्सपीरियंस करने के लिए आती है। उन तकलीफों को सीख करके हम कुछ अच्छे लेसन्स भी सीखते हैं, और उस वो एक्सपीरियंस करके हम जब धरती से जाते हैं, ये एक्सपीरियंस लेना हमारा जरूरी क्यों है? आज हम उसके बारे में और समझेंगे। और ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आज धरती पर जैसे कि हम खूब अच्छा पढ़ते हैं, हमने अपनी पढ़ाई अच्छे से की, हम अच्छे स्कूल में गए, अच्छे कॉलेज में गए, और जब हम अच्छे मार्क्स से लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, अच्छी नौकरी लेते हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, मैंने आफ्टर अपनी स्टडी के बाद में, तो हम अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, नेम फेम हमें मिल रहा है, ये सब कुछ हमें मिलता है, राइट?
तो लाइफ के जो लेसन है जो कि हम धरती पर सीखने के लिए आते हैं, वो लेसन भी हम इसलिए सीख रहे होते हैं कि यहाँ पर तो हम अच्छा जीवन बिताए। जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है कि जीवन भी मधुर हो और मृत्यु भी मधुर, तो जीवन हमारा मधुर कैसे होगा? हम अगर दुख में ही फंसे रहेंगे तो क्या उस जीवन को आप सुखमय जीवन बोलोगे? नहीं, यस, है ना, सभी कोई बोलोगे ना, वो जीवन हमारा कभी भी मधुर नहीं है। जीवन में हमारे तकलीफ है, जीवन में हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, जीवन में हमारे हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत कुछ जो हमारे बीमारियां हैं और जो कि हम तकलीफें अपनी भावनाओं के तौर पर लेते हैं, वो वेदना हमारी असह्य हो जाती है। लेकिन अगर हमें अपनी इन वेदनाओं के साथ रहते हुए अपने आप को मैनेज करना, बैलेंस करना हमें अगर आ जाए, तो हमारा जीवन मधुर हो जाता है। तब हमारी ये जो वेदनाएं हैं हमें उतना इफेक्ट नहीं करती है और उसे हम हैंडल कर पाते हैं इजीली। उनसे हम तकलीफों से घिर करके ना हमें टेंशन उतनी होती है, ना हमें दुख होता है, ना हम लोगों से नफरत करते हैं, ना हम लोगों को जज करते हैं, ना हम ब्लेम करते हैं, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली मधुर हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं ये कहूँ कि कल हमने उस फर्स्ट पार्ट को समझा है, तो आज हम उसके दूसरे पार्ट पर चलेंगे, तो उसे ज्यादा समझेंगे कि मृत्यु भी मधुर कैसे होती है। राइट, तो चलिए मैं आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। अभी तक क्लियर? तो कल हमने देखा था कि जब हम स्कूल में प्रवेश करते हैं तो ओल्ड लाइफ, जो पुरानी लाइफ है, उसे हम भूल करके, मतलब जो डेथ, जो इस बर्थ से पहले की लाइफ है, वो सब भूल करके हम धरती पर आते हैं और लेसन्स को हम लर्न करके, अपने लेसन में सक्सेस हो करके जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे लाइफ के लेसन्स को सीखने के लिए जो मैंने बताई थी कि हमारे सोल की अपग्रेडेशन होती है। जैसे जैसे हमारे लेसन लर्न होते जाते हैं, हम मैच्योर होते जाते हैं, उस वैसे वैसे हमारे जो सोल है वो अपग्रेड होती जाती है, वो आगे बढ़ती जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि हम अपने अंदर में चेंज कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लेसन, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन तो हम बहुत बार करते हैं, लेकिन कल मैंने आप लोगों को एक चीज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें एज अ ऑब्जर्वर बन करके अपने जीवन को देखना है, अपने आप को देखना है, जिससे कि ऑब्जर्वर सेल्फ, जो हमारी सोल है, जो अभी तक वो बिल्कुल अलग पड़ी हुई है, अभी तक हम अपने मेंटल दुख से, अपने जीवन के दुख से, जीवन में जो चारों तरफ हो रहा है उसी की तरफ हमारा ध्यान है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने ऑब्जर्वर सेल्फ के साथ, जो हमारी सोल सेल्फ का सेल्फ सोल है, उसके साथ जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं, हम इन चीजों से हटते जाते हैं। और ये चीज हम कैसे शुरू कर सकते हैं, ये ऑब्जर्विंग सेल्फ जो है, इसे हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, कैसे इसके साथ हम ज्यादा जुड़ सकते हैं, वो होता है जब हम मेडिटेशन, ध्यान में हम अपने साथ, मेडिटेशन वर्ड जो है ना, वो हमारे मन पे बहुत भारी वर्ड्स दे देता है, इसलिए मैंने आज कल जो है इसको ऑब्जर्वर सेल्फ, अपने आप को इस तरह से व्यक्त किया कि हम अगर ध्यान के द्वारा अपने साथ जुड़ते हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सांसों के साथ जुड़कर अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। और वहां पर क्या होता है, सिर्फ एक चीज है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, बाहर की 10 चीजों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन जब धीरे धीरे अपने साथ जुड़ते जुड़ते हमारा ध्यान इतना पक्का होने लग जाता है कि हम बाहरी दुनिया में भी अपने उस ऑब्जर्वर सोल सेल्फ के साथ में हम रह पाते हैं,
अपनी सोल के साथ अधिक समय, उस समय भी ये नहीं होता कि हम बाहरी जीवन में लिप्त हो जाते हैं, बाहरी लोग चीजों के साथ जो हमारा हो रहा है उससे ज्यादा अधिक अपना ऑब्जर्वर सेल्फ के साथ होने के वजह से हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नाटक चल रहा है। उसे हम उस नाटक की तरह देखने लगते हैं जहाँ कि हम भी एक रोल प्ले कर रहे हैं और बाकी सब भी वही रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, हमारा जब इस तरह का माइंडसेट होने लगेगा, हमारी न्यू लर्निंग हमारी बढ़नी शुरू होगी, तो फिर क्या होगा कि हम बहुत सारे बिलीव्स, बहुत सारी अपनी धारणाएं, अपने विचारों, जो थॉट्स हमारे नेगेटिव थॉट जिसे हम कहते हैं, उनसे हम बाहर आ सकेंगे। ठीक है ना? तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन जो है वो मास्टर की है हमारे जो आगे बढ़ने में, हमारी सोल के लिए, हमारी अपग्रेडेशन के लिए ये जरूरी है, जिससे कि हम अपने माइंड के रीवायरिंग कर सके, अपने नए न्यूरॉन को डेवलप कर सकते। तो ट्रेन योर माइंड टू सी समथिंग गुड इन एवरीथिंग। हर चीज में फिर हम अच्छाई को ढूंढने लग जाते हैं, हर चीज में हमें अच्छाई दिखने लग जाती है, और इसके साथ साथ हम ग्रैटिट्यूड की भावना में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे क्या होता है कि हम जो बंधन में बंधे हुए हैं, जो हमें फ्री नहीं होने देते, हमारे ही दुख, हमारे ही तकलीफें, उससे हम रिलीज हो सकते हैं। और एक चीज और, गॉड लव्स यू एंड फॉरगिव ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स, व्हाई कैन नॉट यू लव एंड फॉरगिव योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने आप को किसी भी गिल्ट में फंसा कर रखे हैं या हमारे कोई शेम है, तो कहीं अगर हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे या अपने आप को विक्टिम कॉन्शियसनेस में भी हम रख रहे हैं, तो हर जगह पर अपने आप को वहां से, उस विचारों से दूर आने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो भी गलतियां मेरे जीवन में मैं कर रही हूँ या हो रही है, उससे जब हमें भगवान माफ कर सकता है, जब गॉड फॉरगिव हमें कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सारी मिस्टेक्स हमने की है इसीलिए क्योंकि हमने वहां से कुछ लर्न करना था, कुछ वहां से सीखना था, कुछ लेना था, राइट? तो स्टार्स कैन नॉट शाइन विदाउट डार्कनेस। अगर हमारे जीवन में ये डार्कनेस नहीं होते तो फिर हम क्या इतने डेवलप हो पाते, इतने आगे बढ़ सकते? तो इस तरह से अपने आप के माइंडसेट को हमें चेंज करना चाहिए। सुख हो मगर शांति ना हो, तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है जो कि हमें हर वक्त याद रखनी है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ये जो अहंकार है, ईगो है, या हमारा पावर है, या हम मनी को लेकर के, इन सारी चीजों से ही हम सोचते हैं कि हमारा संसार है, या यही हमें मिल जाए तो बस हम खुशी हो जाएं। तो नहीं, ये सब चीजों से ऐसे भी बहुत सारे जिनके पास सब कुछ ही होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में सुखी नहीं हो सके। तो यहाँ पर हमें यही समझना चाहिए कि हमारे पास अगर शांति नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों से अभी भी दूर हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि अपने आप को हम ऑब्जर्वर सेल्फ में कन्वर्ट करें, इसी तरह जैसे कि एक एरोप्लेन में जो कि ऊपर चल रहा होता है और बहुत दूर तक सब कुछ देख रहा होता है, हमें भी अपने आप को उसी तरह बनाना है, जिससे कि हम अपने आप को, अपनी हर चीजों को, हम जो कर रहे हैं या हमारे जीवन में सब कुछ हो रहा है, उन्हें आसानी से देख सके। तो धरती पर इस यात्रा को अंतिम यात्रा बनाने के लिए खुशी खुशी जीवन को अनुभव करें, खुशी खुशी यहाँ से जाएं। धरती को हमें छोड़कर जाने में दुख होता है, लेकिन सच तो यह है कि वह दूसरी दुनिया भी जो यहाँ से और भी अधिक ज्यादा रोचक है। आज हम उसी दुनिया की बात करेंगे, दुनिया धरती के बाहर की है। जब हम वहां होते हैं तब भी हम आना नहीं चाहते हैं। अभी हम जब यहाँ धरती पर हैं, यहाँ से हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, या मृत्यु हमारी हो या किसी और की, तो हमें बहुत दुख होता है ना? हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जब हम वहां से आते हैं ना, तो धरती पे भी हम आना नहीं चाहते, लेकिन हमें आना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को हमें अपग्रेड करना है, अपने आप को हमें और सुधारना है, अपने आप को हमें और इवॉल्व करना है, हमारी सोल को और अधिक इवोल्यूशन में लेकर के आना है।
तो ये चाह जो है वो हमें फिर से धरती पर लेकर के आती है। और ये अपग्रेडेशन क्या कैसे होता है, जब हम अपने अंदर में चेंज लेकर के आते हैं और अपने आप को सुधार पाते हैं। मेरा जो एक लास्ट सेशन हुआ था समग्र जीवन, उसे मैंने लव के ऊपर दिया बताया था बहुत ज्यादा, कि लव जो है उस स्थिति में पहुंचना, लव जो हम फिजिकलिटी में समझते हैं कि प्यार की जो परिभाषा, वो सिर्फ नहीं है लव, एक प्यार जो है, जो प्रेम की अवस्था, वो एक हायर अवस्था स्थिति है हमारी। उस स्थिति में अगर हम पहुंच जाते हैं तो जीवन से हमारे सब चीजें जो है वो हट जाती है, सब तरह के जो हम कंपैरिजन है, जेलेसी है, या हमारे जो भी हमारी ऐसी चीजें हैं, अवगुण है हमारे जीवन में, वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। हम ग्रैटिट्यूड में आ जाएंगे, हम खुशी में आ जाएंगे, हम हमेशा उस अवस्था में अगर रहेंगे तो सब जगह पर हमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखता है। तो वो जीवन हमारा कितना मधुर होगा, जरा सोच करके देखिए कितना मधुर होगा। आज कितने सारे ऐसे योगी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पढ़े नहीं है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपने जीवन में इसी सच को जाना कि ये प्रेम क्या शब्द है, ये प्रेम क्या स्थिति है, उस स्थिति में वो पहुंच गए और जीवन को बहुत अच्छे से उन्होंने अपने जीवन को जिया और लोगों को भी बहुत कुछ वो दे कर गए। तो मृत्यु के बाद जो जीवन मधुर है ही, तो धरती पर जीवन को भी मधुर बनाने की कला आ जाए तो धरती पर आने का हमारा जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो जाता है। तो चलिए आज हम अब आज के चैप्टर को थोड़ा समझेंगे कि जीवन मधुर और मृत्यु भी मधुर। तो जीवन कैसे मधुर हो सकता है ये तो हमने समझ लिया, अब मृत्यु कैसे हमारी मधुर होती है वो हम समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, रीइंकार्नेशन में जब आई गेट बॉर्न आई फॉरगेट माई ट्रू आइडेंटिटी, जब हम धरती पर आते हैं तो ये सीखने के लिए आते हैं, कुछ इस बार मैं अच्छा सा सीख के जाऊंगी, कुछ अपना लेसन पूरा करके जाऊंगी, पर धरती पर आने के बाद में फिर हम इस माया जाल में जैसे ही फंसते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या होता है, आई कॉट अप इन द ड्रामा ऑफ डुअलिटी, हम इस डुअलिटी के अंदर फर्स्ट है, धरती के ड्रामा में हम फर्स्ट है, माई इनकार्नेशन इज एक्सपायर बिफोर आई लर्न ऑल माई लेसन। तो जब हम कुछ सीख करके अगर नहीं जाते, इस ड्रामा में ही फंसे रह जाते हैं, बिकॉज हमारा एक पॉइंट लाइफ में जरूर आता है जो कि हमें यू टर्न देने का, यू टर्न हमें देता है कि तुम अब घूम जाओ, अभी भी समय, तुम अपने आप को कुछ चेंज कर लो। तो क्या होता है कि यहाँ पर, लेकिन अगर हम नहीं चेंज होते हैं तो जो वो हमारा बर्थ होता है वो बेकार चला जाता है, बिफोर आई लर्न ऑल माई लेसन। तो हम ये अपने जीवन को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हम जरूर कुछ ना कुछ लर्न करके ही जाएंगे। और आगे जा करके इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लर्न करते हैं वो हम समझते हैं। द रियल मेडिटेशन इज हाउ वी लीव, तो मेडिटेशन का मतलब ही है कि हम कैसे जीवन में उसको उतारते हैं। तो अब हमारी डेथ कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। डेथ जो है, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो या नहीं हो, लेकिन हमारा शरीर जो है वो 24/7, शरीर का जो इंटरनल पार्ट्स हमारे हैं और जो हमारा हमारी इनवॉलेंट्री नर्व्स है वो ऑलवेज काम कर रही है। हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमें पता है, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। हम भोजन मुंह में डालते हैं, अब वो कौन से हिस्से में जा रहा है, कहाँ वो पच रहा है, कहाँ से कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं, कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, फिर वो कहाँ जा रहे हैं, हमें पता है, कुछ नहीं पता। हमारे ब्लड में क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो जो ये हमारे इनवॉलेंट्री नर्व्स है, ये सारा ये सब काम कर रहे होते हैं, और ये सारे काम करते 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 वो भी थक जाते हैं जब, तो फिर हमारी डेथ हो जाती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाऊं कि डेथ का मीनिंग क्या है, तो 24/7 आप समझ लीजिए, 24 हम जितने भी साल जी रहे हैं वो नर्व्स हमारे सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने फिर उसमें उन्हें इतना थका दिया, इतना थका दिया, अपने शरीर को ऐसा खाना दिया या अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाया कि उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वो जल्दी थक जाएंगे और वो फिर
डेथ को इनवाइट कर लेंगे। तो ये होता है कि वो नर्व्स हमारे जब आराम करना चाहते हैं तो वो फिर एक बार स्टॉप हो जाते हैं, तो उसके बाद में वो जब आराम करके वापस से चार्ज हो जाते हैं तो वापस से हम धरती पर चले आते हैं। मतलब कि अगर ये इनवॉलेंट्री नर्व्स हमारे एक्चुअली हमारे मेंटल बॉडी में, मैं बोलूं तो वहां से कनेक्शन होता है, तो यहाँ जो धरती पर हमारे फिजिकल बॉडी में उनका काम है वो अपना करना बंद कर देते हैं, तो हमारी फिजिकल बॉडी की डेथ होती है और फिर हम आगे की तरफ चले जाते हैं। अगर हम अपनी क्षमता को उजागर करें और जीवन में मौजूद संभावनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करें तो हम निश्चित रूप से आनंद पूर्वक जिएंगे और शान से हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो हमें जो भी जितना समय भी इस धरती पर मिला है या जितना समय भी हम रहते हैं, इस समय को हमें यूटिलाइज करना है, हमें वेस्ट नहीं करना है। हम अपनी जो हमारी क्षमताएं हैं, हम सब बोलते हैं हम चक्रास पे काम करेंगे, हम इस पे काम करेंगे, हम उस पे काम करेंगे। आप अपने पे काम कब करोगे? चक्रास का नाम सुन लिया, चक्रास पे हम करेंगे, हम इस पे करेंगे, लेकिन हमें अपने ऊपर जो काम करना है वो हमारे थॉट पैटर्न पर सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो जितना समझदारी से, जितनी अच्छी तरह हमारा काम होता है, वैसे ही हमारे जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये क्षमता जो कि हमारी जो एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे चक्रास हैं, उनकी क्षमता धीरे धीरे अपने आप भरना शुरू हो जाती है। तो अपनी क्षमताओं को उजागर करें, जीवन में मौजूद संभावनाओं का, और उससे बहुत सारी हमारी संभावनाएं, मतलब कि हम इतने इतना इतना हमारा स्वरूप विकसित है उसके बारे में हम जान पाते हैं और अपनी क्षमताओं को और बढ़ा पाते हैं। और जितनी हम अपनी इस क्षमताओं को बढ़ा लेते हैं, हमारा जीवन जो धरती पर है वो तो अच्छा होता ही है, और उसके बाद जो हमारा जीवन है वह भी हमारा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं बहुत जल्दी इनकार्नेशन का जो ग्राफ है उसे मैं समझाती हूँ कि जब हम अर्थ को छोड़कर जाते हैं तो हमारी फिजिकल डेथ होती है, लेकिन हम एस्ट्रल प्लेन पर जाते हैं अपनी सूक्ष्म बॉडी के साथ में, एस्ट्रल प्लेन पे पहुंचते हैं, और जब हमारी एस्ट्रल डेथ होती है तब मेंटल प्लेन पर, और फिर हम कॉजल, एस्ट्रल डेथ होने पे फिर मेंटल, और फिर मेंटल हमारी जब डेथ होती है तब हम कॉजल प्लेन पर जाते हैं। और ये फिर हम रिकार्नेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी कुछ इच्छाएं, कुछ हमारे रिलेशंस, कुछ हमारा कर्माज, हम जो भी इन शब्दों से उसे डोनेट कर माने डिनोट करें, मतलब लेकिन ये होता है कि हमें अपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस को लेना है और अपनी लर्निंग को कंप्लीट करना है, इसलिए हम वापस से इस धरती पर आ जाते हैं। और ये काम तब तक चलते रहता है जब तक कि हम ये अपना लेसन पूरा न कर लें। रीइंकार्नेशन बार बार हमारा इसी तरह चलता रहता है, और जब हमारा सब लेसन पूरा हो जाता है तो हम बुद्धिक निर्वाणिक बॉडी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जो हमारी एस्ट्रल डेथ होती है तब हम मेंटल डेथ पे पहुंचते हैं, लेकिन आप ये समझो कि हमारी अर्थ से तो डेथ हो गई, ये अलग प्लेन है, एस्ट्रल प्लेन है, मेंटल प्लेन अलग है। तो एस्ट्रल प्लेन में जब सूक्ष्म शरीर के साथ हम पहुंचते हैं, तो अगर हमने अपने इस लेसन को जीवन में अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं किया तो जीवन में तो हम दुखी रहेंगे, और एस्ट्रल प्लेन पर पे भी जाकर हम अपने जीवन को मधुर नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम नीचे ही स्तर पर रह जाएंगे, और नीचे के जो स्तर होते हैं वो हमारे इस फिजिकल जो प्लेस है, जो हमारा ये धरती है उससे मिलता जुलता सा प्लेस होता है, जहाँ की बहुत ज्यादा लोग होते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि वहां पर हम रियलाइज करते हैं कि बहुत कुछ ये फिजिकल प्लेन जैसा ही है, मतलब धरती जैसा ही है। तो मतलब वहां पर फिजिकल चीजें नहीं होगी, जैसे कि मैं अभी और आप लोगों को आगे बताऊंगी कि वहां जो चीजों का निर्माण होता है वो हमारा काल्पनिक होता है। जैसे काल्पनिक हम
ड्राइंग को बनाते हैं तो हम काल्पनिक डालते हैं ना, यहाँ पर ये चीज होगा, यहाँ पेड़ होंगे या झरने होंगे, यहाँ घर होगा, ये बिल्डिंग होगा, या जो भी चीज है, हम जिस तरह की भी ड्राइंग करते हैं, तो एग्जैक्टली वो सूक्ष्म जगत में हम जो सोचते हैं या जिस तरह का हम वहां चाहते हैं, उस तरह से हम वहां निर्माण करते हैं। और ये जो प्लेन होता है बहुत ज्यादा लोगों से घिरा हुआ होता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है, लेकिन इसके बाद जो मेंटल प्लेन आता है वहां पर बुद्धिजीवी होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो संगीतकार है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स है, वो लोग, उस तरह के लोग मेंटल प्लेन पर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका यहाँ कोई काम नहीं है एस्ट्रल प्लेन पर, वो एस्ट्रल अपनी बॉडी को फटाफट छोड़ते हैं और मेंटल प्लेन पे डायरेक्ट चले जाते हैं, क्योंकि अपने जीवन में उनकी सोल जो है वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि उन्हें अब एस्ट्रल प्लेन पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेंटल प्लेन पर भी उनका काम बंद नहीं होता, वो यहाँ पर जो कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि जो भी इस तरह के प्रोफेशनल चीजों से जुड़े होते हैं, मतलब मान लीजिए कि जिनके अंदर में इस तरह की कैपेबिलिटी है, कोई साइंटिस्ट है तो डॉक्टर है, तो वहां भी वो उसी तरह के काम में बिजी होते हैं। कोई म्यूजिशियन है तो वहां भी वो नए नए प्रयोग करेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, और वहां पर उनको सीखने सिखाने के लिए और सुनने के लिए भी बहुत लोग उनको मिल जाते हैं जिनके की इंटरेस्ट होते हैं। तो सोचिए वो प्लेन कितना सुंदर होगा, वो जगह कितनी सुंदर होगी, और उसके बाद में कॉजल प्लेन, तो ये भी और उच्च स्तर वाला प्लेन होता है, जहां पर कि और मतलब आप कह लो तो देवी देवता या कुछ इस तरह के, जो कि और एडवांस सोल होती है, और उसके बाद निर्वाणिक, ये उससे भी ज्यादा एडवांस प्लेस होता है। तो ये चीजें, या ये हम क्यों समझ रहे हैं, मैं आप लोग को क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज ये अलग अलग प्लेन जो होते हैं वो हमारे हमारी सोल की स्टेज पर, हमारी सोल की इवोल्यूशन के जगह पर हम कहाँ जाएंगे उसको बता रही है। तो अगर हम धरती पर अपना जीवन डेवलप, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए करते हैं, इवॉल्व करके अपने जीवन में बहुत खुश हो करके अपनी अपनी सोल को आगे बढ़ाते हुए लेकर जाते हैं, तो आगे का जीवन भी हमारा मधुर ही होगा, ये भी गारंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज को और अलग तरीके से बताया है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं आप लोग को नहीं समझा रही, वहां पर आप लोगों ने अच्छे से ही समझ लिया होगा। तो अब हम आते हैं भौतिक चीजें, यहाँ पर जो एस्ट्रल प्लेन होता है वहां पर भौतिक चीजें नहीं होती, क्योंकि शरीर जब है हम यही छोड़कर जा रहे हैं, तो वहां क्या होगा, जैसा कि हम लोगों को पुराने जो गरुड़ पुराण या इस तरह की चीजों से जो डराया जाता है कि हमारा जो मृत्यु के बाद में जो है वहां ऐसे कष्ट मिलते हैं, यहाँ ये करते हैं तो वहां ऐसे कष्ट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां कोई फिजिकल चीजें होती नहीं है, वो कढ़ाई में तलने वाला, ये सब चीजें एकदम बकवास है, क्योंकि जब हमारा फिजिकल शरीर ही नहीं होता, जब इस चीज को हम मान रहे हैं, तो वहां फिजिकल कढ़ाई और तेल ये सब कहाँ से आएगा। लेकिन वहां पर कुछ सुधार ग्रह जरूर होते हैं, और वहां पर सुधार करने का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट होता है, उसे मैं आप लोग को फिर से अभी बता रही हूँ। भौतिक चीजें नहीं होती हैं, कल्पना शक्ति से वहां कार्य करती है, जो भी कुछ वहां होता है वो कल्पना शक्ति के द्वारा है, और सीखने की वहां बहुत अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से ज्यादा वहां, क्योंकि पैसा हमें देना नहीं पड़ता, सब फ्री में होता है, टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप कितना सीख लो, तो वहां पर जो है अपॉर्चुनिटी हमारी सीखने की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां की सीमा नहीं, रात नहीं होती और हमें भूख भी नहीं लगती, हमें खाना खाने के लिए, खाना के लिए, पैसे कमाने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है, वो सारा समय हमारा बच गया, तो फिर बताइए हमारे पास कितना सारा समय हो गया, और इतने सारे समय में हम कितना कुछ कर सकते हैं, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब सोचिए कि वहां जो हमारे मन में जो डर था कि मृत्यु के बाद हमारे एस्ट्रल प्लेन में क्या होता है, नहीं होता है, कुछ भी डरने का नहीं है, और यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है एस्ट्रल प्लेन, और वहां पर बिल्कुल जो यहाँ के जैसा है वैसे ही है,
यहाँ पर देखिए कि हमारे कष्ट किस तरह के होते हैं, हमारी तकलीफें किस तरह की होती है। तो हमारे डिजायर जो होते हैं, इच्छाएं सिर्फ भौतिक शरीर में ही नहीं बल्कि इच्छा वाहन मतलब हमारी भावनाओं और अनुभवों में होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम अपने सूक्ष्म जगत में समझते हैं कि किस तरह के हमें कष्ट मिलते हैं, किस तरह की हमें तकलीफें होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि मान लीजिए कि धरती पर किसी की जो भी इच्छा है, जो भी उनकी शौक होते हैं, वो शौक और इच्छाएं अगर खत्म नहीं होती हैं तो मृत्यु के साथ भी वो उसके साथ ही जाती है। और कई बार हमारी कोई इच्छाएं ऐसी भावनाओं से जुड़ी होती है जैसे कि जलेसी है, या बहुत ज्यादा संचय करने की इच्छा, अपनी चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट और लोगों से अटैचमेंट, इस तरह की जो हमारी भावनाएं होती है वो हमारी मरने के बाद भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे भौतिक शरीर में नहीं होती है, हमारे मेंटल बॉडी में ये इच्छाएं होती है, हमारे एस्ट्रल बॉडी के साथ होती है। इसलिए क्या होता है कि हमारी इन भावनाओं के साथ जो अनुभव हमें करना होता है, उस तरह के कष्ट हमें सहने होते हैं। तो देखिए अगर धरती पर हम कुछ चीजों को सीख लेते हैं तो कितना आसान होगा कि वहां हमें वो सारी चीजें सीखनी नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वहां पर भूख प्यास तो हमें नहीं लगती है, लेकिन जिन्हें अगर ड्रिंक करने की बहुत आदत हो, जो हर शाम ड्रिंक करते हो, बिना ड्रिंक किए उनका चलता नहीं हो, तो वो क्या होगा कि वहां भी उन्हें टाइम टू टाइम ऐसा होगा कि उन्हें इस लत की एहसास होगा कि मुझे उस एहसास को वो पाना चाहेंगे जो कि उन्हें ड्रिंक करके मिलता है। नशे का कारण सुखद एहसास को पाना होता है, जैसे कि हम कोई चीज अगर टेस्ट करते हैं तभी हम उसे पता होता है, तो वो जो एहसास जो उनके अंदर में होता है वो कहीं ना कहीं उनका इनबिल्ट बिल्ट रह जाता है उनकी मेंटल बॉडी में। अब क्या होगा कि वहां वो छटपटाएंगे, वो वहां पे तकलीफ पाएंगे कि मैं अब ड्रिंक कैसे लूं, और जब वो किसी को देखेंगे वहां से, वो अपने किसी को देखेंगे कि ड्रिंक करते हुए, तो उन्हें मन करेगा कि मैं ड्रिंक कर लूं, लेकिन वो फिजिकल में किसी चीज को छू नहीं सकते, ले नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकेंगे, और ये तकलीफ उनकी बढ़ती जाएगी। और ये तकलीफ और जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक इसी तकलीफ को उन्हें सहना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि इनहैबिलिटेशन सेंटर में यहाँ अपने लोग के भेजा जाता है भौतिक जीवन में, उस तरह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उनको कोई चीज अगर नहीं मिलेगी फिर उन्हें समझ में आने लगेगा, और फिर उनका जो वो एहसास है धीरे धीरे उससे जो अटैचमेंट है वो खत्म होने लगेगा, फिर जा करके वो आगे की प्लेन में जा पाते हैं। तो ये एक जो मैं एग्जाम्पल आप लोग को दे रही हूँ, ये एस्ट्रल प्लेन पर इस तरह की हमें यातनाएं सहनी पड़ती है अगर हम इस जीवन में जिन चीजों को सीखते नहीं हैं। तो सुधार ग्रह का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो हमारे रवैये में परिवर्तन लाना होता है, हमारी आदतों में परिवर्तन लाना होता है, हमारी भावनाओं में परिवर्तन लाना होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कंजूस का बोला, तो मान लीजिए कि बहुत मुश्किल, बहुत किसी ने अपना धन सजो सजो करके रखा है, अपने जीवन में बहुत कंजूसी करके अपने ऊपर भी खर्च नहीं किया, ना घर वालों पर किया, लेकिन वो क्या होगा आफ्टर डेथ, वो उस पैसे को जब खर्च करते हुए सबको देखेगा वो बहुत दुखी होगा, चिल्लाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकेगा, और वो दुख लेकिन फिर उसको ये रियलाइज करवाएगा कि मैंने इतना धन संचय किया, इसका कोई फायदा नहीं था और अभी भी कोई फायदा नहीं है, इसी के साथ धन जाता भी नहीं है, तो ये रियलाइजेशन उसे और अच्छी तरीके से होता है। तो यही सब कुछ है जो कि हमें परिवर्तन लाना होता है, और इसीलिए हम चूज करते हैं धरती पर भी, हर एक लेसन को चूज करने के पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जीवन में जो तकलीफ हम लेकर के आते हैं उसके बाद है डिटैचमेंट, तो फ्रॉम सोल लेसन डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियलिस्टिक हमारे थिंग्स या डिजायर्स को। और मान लीजिए कि कोई अपने घर वालों को, अपने प्रियजनों को यहाँ पर छोड़ के जाता है,
अब मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है वाइफ को छोड़ के गया, वाइफ अगर किसी और से बात करती है, वो उसे देखेगा तो उसे वहां पे जलेसी फील होगी, वो तकलीफ पाएगा, और फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज जब होगा तो वो अपने उस अटैचमेंट से दूर जा पाएगा। तो इस तरह की तकलीफों को हम एस्ट्रल वर्ल्ड में और निम्न स्तर पर, ऊंचे स्तर में हमें ये भी नहीं सहना होता, वो नीचे स्तर पर ही हमें इन चीजों को अपने आप को सुधारने के लिए ये सहना होता है। हमने लोअर डिजायर, ये सारे निम्न डिजायर्स होते हैं। हायर डिजायर क्या है कि मैं कुछ और सीखूं, मैं किसी लोगों का भला करूं, मैं अगर कोई साइंटिस्ट है तो मैं नए आविष्कार करूं, ये डिजायर्स होना, ये उच्च स्तर की डिजायर होती है। इसके लिए आप पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है, और ऐसे डिजायर जो है वो रखना हमें कोई नुकसान नहीं देता, लेकिन जो निम्न स्तर के डिजायर है वो हमें नुकसान देते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को बोला ना कि कोई पैसे जमा करेगा और फिर वो उसे देखेगा कि लोग खर्च कर रहे हैं तो उसे तकलीफ होगी। तो सुधार ग्रह सिर्फ तकलीफ नहीं, सुधार ग्रह हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने का रास्ता है। राइट, अभी ये क्लियर कि हमारे जो सुधार ग्रह, जो हम धरती पर जो तकलीफ पाते हैं या डेथ के बाद में, तो वो सब हमारी आत्मा के आगे बढ़ने के लिए उन तकलीफों को हम चूज करते हैं, धारणाओं को बदले, सीमित कारणों के लिए असीमित फल नहीं भोगते। तो हम अपनी धारणाओं को बदले कि ये जो हम डेथ का जो हमारा कंसेप्ट है कि हमें डर लगता है और हम भयभीत होते हैं, तो ये बदले कि हमें वहाँ, और फिर ये कि वहाँ बहुत तकलीफ मिलती है, ये सब कुछ कुछ भी वहाँ नहीं होता, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है जहाँ की हम अर्थ पर रहना चाहते, सॉरी उस सूक्ष्म जगत पे हम रहना चाहते हैं। इसलिए यह डर निकाल देना चाहिए कि वह हमेशा इस सूक्ष्म लोक में ही रहने वाले हैं या सिर्फ तकलीफ ही भोगने वाले हैं, ऐसा कुछ भी हमारे एस्ट्रल प्लेन पे हमारे मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं होता, बल्कि हमें अपनी भावनाओं में, हमें जरूर ये हमें या हमें ज्ञान, हम धरती पर रहें तब भी हम ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में रहें, और धरती से बाहर भी जाएं तब भी हमारी यही इच्छा और हमारी यही कामना होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक और ज्ञान को, सही ज्ञान को अर्जित कर सके, और जिससे कि हम सेवा कर सके लोगों का, लोगों के साथ मिलकर उनको हेल्प कर सके, और परोपकारी व्यक्ति, सेवा भाव में रहने वाले, मदद के लिए उन्हें अवसर भी अधिक उस श्लोक में भी प्राप्त होते हैं। वहां पर देखिए, अभी देखिए ये सब चीजें डरने की नहीं लेकिन जानने की जरूर है कि जब हमारी डेथ होती है तो हम उस जगत में जब जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता, मतलब मान लीजिए कि किसकी अभी अभी डेथ हुई है, तो वहां पर हमें वॉलंटियरिंग करने का मौका मिलता है कि हम नई आत्माओं को भी आगे का रास्ता दिखाएं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आप लोगों को अगर मैं ये बताऊं कि हमारी एथरिक बॉडी होती है, उसे छोड़ने का प्रोसेस होता है, और एस्ट्रल बॉडी के साथ हमें आगे जाने का जो प्रोसेस होता है, वो सब बताने के लिए, वॉलंटियरिंग करने के लिए हमें काम भी दिया जाता है। तो जो परोपकार करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए वहां पर बहुत कुछ है, उनके उसके लिए जब मतलब बहुत काम है। तो सूक्ष्म लोक का दूसरा पहलू, सूक्ष्म लोक की निम्न सीमाओं से उच्च लोक का जीवन, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया ना एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन और कॉजल प्लेन, तो यहाँ पर जो डेथ के बाद में है, ये अलग अलग जो प्लेन है वो हायर प्लेन पर, जैसे मैंने बताया था कि संगीतज्ञ, साइंटिस्ट है, सिंगर है, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लोग भी होते हैं आगे के प्लेन में, जो कि कॉजल प्लेन और आगे के प्लेन में इस तरह के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सोचो कि बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ जिनका कि आज हम यहाँ पे भी सुनना चाहते हैं लेकिन वो अब नहीं है, और वो वहां पर आपको मिल जाए तो कितना मजा आएगा ना। वैसा ही कुछ होता है हमारे साथ में, साइंटिस्ट को, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो यहाँ नहीं है धरती पर, वो मिल जाए तो, और वहां पर एक चीज और, वहां पर लैब भी होते हैं जहाँ की ये साइंटिस्ट नया नया प्रयोग भी कर रहे होते हैं,
और ये सब बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट हैं उन सब के पास में वो मैसेज भी आता है और नया कुछ प्रोड्यूस भी कर पाते हैं। ये रियल है और एकदम सही है। योग्यता के अनुसार लोग भी हमें मिलते हैं। हम जिस तरह के रुचि रखते हैं उस तरह के लोग भी हमें एस्ट्रल प्लेन पर मिल जाते हैं। तो सोचिए कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। सिद्धांतों की हमारी धरती से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सिद्धांतों की सच्चाई का प्रमाण जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता में अभी हमें लगता है कि ये सब बातें बकवास है जो मैं आप लोग को बोल रही हूँ, शायद इसमें से भी अगर कोई लॉजिकल माइंड से बोलेगा तो बोलेगा नहीं ये तो सच बातें नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन वहां पर ये सारी सीमाएं खत्म हो जाती है, बिकॉज जब आप वहां बैठे होंगे तो नीचे की चीजें आपको सब सही लगेगी। अभी आप यहाँ बैठे हो इसलिए यहाँ की बातें आप लोगों को लॉजिकल इलॉजिकल भी लग सकती है, नहीं लगेगा कि ये सच है। लेकिन वहां पर हमें कोई सिद्धांतों की सच्चाई का प्रमाण हमें मिलता है, तो इसलिए हमें सारी बातें सही सही समझ में आती है। तो जीवन जो है वो तो हमें मधुर बनाना ही है। जीवन में हम जितना सीखे इन बातों को, जो आज हम सीख रहे हैं इन बातों को सीख कर एवरी डे हम अपने जीवन को मधुर बना रहे हैं। और ये सिर्फ हमारा ये जीवन ही मधुर नहीं होगा, आगे के बाद इसके बाद भी हमारे मृत्यु के बाद का जीवन भी मधुर होगा। हम छोटे निम्न स्तर के प्लेन पर नहीं जाएंगे, हम आगे के स्तर पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास भरपूर नॉलेज होगा और वो नॉलेज हमें आगे के प्लेन पर ले जाएगा। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से हमें अर्थ समझ में आता है। तो अनुभव लेने के लिए हम जो धरती पर आते हैं उस अनुभव से हम बहुत सारे मतलब भी हम अपने जीवन के समझ पाते हैं, या हम ये कहें कि अपने आप का अर्थ समझ पाते हैं। तो यहाँ पर यही है कि हम अपने आप को रीड योर सेल्फ नॉट पीपल, हम जो दूसरों पर जो ऑब्जर्व करना है वो भी हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है। दूसरों को ऑब्जर्व करके उनके अंदर की कमियों को उनको उनके कंप्लेन या उनके उनको जज करने की हमें कोई जरूरत है ही नहीं। और इसके साथ हम अपने आप को फ्री कर पाते हैं। जितना हम इवॉल्व होंगे धरती पर, जितना हम अपने जीवन को समझेंगे उतना ही हम इवॉल्व होकर आगे के उस जीवन में, मृत्यु के बाद के जीवन में, उससे भी कहीं ज्यादा हम मृत्यु के बाद में हम पा सकते हैं, अपने जीवन को मधुर बना सकते हैं। तो दैट्स इट, आप आज के लिए यही था। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हैं तो हम प्रश्न ले सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप लोग बोल सकते हो। यस रमेश जी, मैडम ये नमस्कार मैडम नमस्कार नमस्ते। मैडम, ये जो आपने बातें बताई ये क्या ये एक लॉजिक से भरी हुई है कि या कोई ऊपर से जाके वो नीचे आके ये इन बातों को एक्सप्लेन करता है? ये इसके फैक्चुअल प्रमाण कहीं नहीं होते जो आपने बताया। इसके प्रैक्टिकल बहुत प्रमाण जो हैं वो बहुत सारे मास्टर्स में अलग अलग बुक में आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास कोई और ऐसी आप बुक है? अगर इसको और अधिक जानना चाहते हो तो इसे खुद से एक्सपीरियंस करें अपने लॉजिकल माइंड को। हम जब ये कहते हैं, मैं अभी भी बहुत से लोगों को ये सुनती हूँ कि मृत्यु के बाद तो हमें ऐसा जीवन मिलेगा, तो ऐसा कष्ट होगा या वैसा कष्ट होगा, या मतलब कैसे कैसे कष्ट हमें दिए जाएंगे। तो जब फिजिकली भी नहीं, ये तो प्रमाण आपके सामने ही है कि हमारा जब फिजिकल शरीर ही नहीं है, हम पूरा शरीर यही छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर क्या चीज को कष्ट मिलेगा, किस चीज में हमको तेल में डाला जाएगा। लॉजिकली समझिए, इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये ज्यादातर सुनने को आता है कि जो आदमी जैसे कर्म करता है वैसे भोगता है, ऊपर जाएगा तो जो उसको कर्म भोगता है वो यहाँ आके भोगेगा। मतलब कढ़ाई में डाला जाएगा, ये होगा वो नहीं, होगा। कढ़ाई पढ़ाई में नहीं डाला जाता वहां पे। जो हाँ तो कर्म वही हम जैसे कर्म करते हैं, जिसको हम किसी को सताए हैं,
वहां इसीलिए तो कर्मों का फिर यहाँ पे क्यों तकलीफ हमें मिलती है? अगर वही तकलीफ मिलती है तो यहाँ क्यों तकलीफ मिलती है? हम डबल डबल तो फांसी हमें लगेगी नहीं ना, एक ही जुर्म की दो बार सजा मिलती नहीं है ना। नहीं, तो जब हमें वहां तकलीफ मिल गई है फिर यहाँ क्यों तकलीफ देती है? फिर हम यूं क्यों मानते हैं कि हमें कर्मों का भोग यहाँ भोगना पड़ता है? ये तो प्रमाण आपको यही मिलता है कि आप यहाँ पे अगर किसी को तकलीफ दे रहे हो, आपको देखिए तुरंत तकलीफ उसका प्रमाण मिलेगा कि आपको तकलीफ मिलेगी। कार्मिक तो इतना ब्लंडर करता है कि आपके जो कष्ट आप किसी को दोगे वो मतलब फटाफट आपको देगा अगर आप सुधार नहीं करते हो अपने आप में। तो ये प्रमाण तो हमें यही मिल जाता है। अगर हमें फिर वहां भी कष्ट देते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, फिर यहाँ क्यों देते हैं? आप बताओ, इस बात का मुझे आंसर दो। मैडम देखिए, ये हमारा जो सब कुछ है ये हमारे लॉजिक थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम सोचते हैं, अगर मैंने आपको कष्ट दिया है तो मेरे को भी कष्ट मिलेगा, तो जो इसका कोई रिटर्न में है कि जब मैंने आपको कष्ट दिया, ठीक है, मैंने अपने वाणी से कष्ट दिया, अपनी सोच से कष्ट दिया, अपने अपने हाथों से कष्ट दिया, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमें भी इसी लाइफ में मिलेगा क्या? बिल्कुल, इस लाइफ में मिलो चाहे जैसे भी मिलो, ये तो इम्पैक्ट हमें मिलेगा, कॉज का तो इफेक्ट होगा ही। अच्छा लेकिन इन सब चीजों का जो ऊपर जा करके रिश्ता जो हम बोलते हैं ना, वो मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि जब यहाँ पर हमारी भावनाओं के साथ जो रिश्ता है कि हम अपनी ही भावनाओं से वहां तकलीफ पाते हैं, वहां पर हमें किसी चीज की अगर तकलीफ होगी, हमारे अंदर ही जिस तरह के सोच विचार या मेंटेलिटी हमारी होगी, वहां पर हमें उसी तरह की तकलीफ उसी से हमें तकलीफ मिलेगी। लेकिन हमारे अच्छा कर्म कार्मिक जो है उससे तकलीफ हमारे कर्म का जो सिद्धांत चलता है वो अर्थ भी। वो आर्ट में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के बारे में गलत ना बोलें, गलत ना सोचें, ना कुछ मतलब गलत उसको मतलब गलत परिभाषित करें, इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि हम अपने थॉट प्रोसेस पे, सबसे अधिक काम हमें अपने थॉट प्रोसेस पे करना है, बिकॉज अच्छा थॉट इज अ लाइव वाइब्रेशन। थॉट हमारी जो है वो वाइब्रेशन है और वो पूरे ब्रह्मांड पे इफेक्ट कर रही है, हम पे भी इफेक्ट कर रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल थॉट पे हमें सबसे ज्यादा काम करना है। थॉट इज रियल वाइब्रेशन। गलत थॉट जो है वो हमें भी इफेक्ट करेगी, हमें लो वाइब्रेशन में ले जाएगी, यूनिवर्स में भी वैसे ही थॉट डालती है। और अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ सोच रहे हैं तो वो भी गलत इफेक्ट ही है ना। तो थॉट पर हमें, मैंने आप लोग को बोला ना कि ऑब्जर्वर बनने के लिए अपने, हम जब अपने थॉट पे काम करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या मेरे अंदर में महसूस कर रही हूँ, तो सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस प्यूरिफाई होगा। प्योरीफाई होगा। ठीक ठीक है तो मैडम। साइंस हमारे साथ साथ है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक तरीके से देखना शुरू करें तो प्रमाण हमें खुद ही मिल जाएंगे, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि हम ये देख करके आए पहले तब हम इसको प्रमाण करें। हाँ वही वही मैंने पूछा, वही मैं हाँ, कहना चाह रहा ये एग्जैक्टली। अब अगर आप उसको पूरा अच्छे से उसको लॉजिकली अपने आप ही उसको करोगे ना, आंसर आपके पास खुद ही आ जाएगा। अच्छा कि अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो उसका इम्पैक्ट मेरे साथ होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। हाँ, आपकी अभी आवाज नहीं समझ आई मुझे। मेरे कहने का मतलब ये, अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो मेरे साथ भी बुरा होगा, ऐसा है? आपने किसी के साथ बुरा किया तो उसका तो इफेक्ट आपको देखना बुरा ही मिलेगा पड़ेगा, मिलेगा इफेक्ट मिलेगा। आपके पास आएगा। लेकिन आप अभी अभी अवेयरनेस में आ गए ना, अच्छा मैंने वो बुरा किया था, अभी आप फॉरगिव करोगे और आप मतलब तो उसके इफेक्ट जो है वो उसकी मतलब डेंसिटी जैसे हम बोलते हैं कि उसका जो इफेक्ट है वो आपको धीरे धीरे महसूस जो है लगेगा कि हाँ ये तकलीफ आई तो सही लेकिन बहुत आराम से निकल गई। बहुत आराम से निकला। हाँ, क्योंकि आपने अपने अंदर में सुधार कर लिया। ठीक है, थैंक थैंक यू मैम। यू। हाँ अपन इस धरती पर सीखने के लिए आते, राइट?
जो चीज अपन नहीं सीखे तो वो चीज अपन एस्ट्रल प्लेन में जाके सीखेंगे तभी अपन मेंटल प्लेन में जा पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? जो निम्न स्तर का आप जो बात कर रहे थे, तो कैसा है हाँ कि जो अपन यहाँ, जो सपोज मेरे को अभी, जो कल मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं बीमारी से डरती थी तो मैंने यहाँ पे सीख लिया, अगर मैंने ये चीज नहीं सीखा होता तो एस्ट्रल वर्ल्ड में, एस्ट्रल प्लेन में मेरे को पहले ये सीखना होता, आफ्टर दैट मैं मेंटल प्लेन में जा सकती हूँ, नहीं, ऐसा? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां हमें सीखनी पड़ती है जो मेंटल प्लेन में जाने के लिए। अब ये बीमारी वाला लेसन जो है वो तो आप अर्थ पे भी सीख, अर्थ पे सीखना होगा आपको वापस फिजिकलिटी में वो सारी चीजों को नहीं, अब लेकर के सपोज कोई सीखना होगा। इमोशनल हो या फिर कुछ वैसी चीज हो तो वो सीखेंगे इमोशनल तभी का अभी अपन मैंने और आगे एग्जाम्पल जाएंगे। दिया ना। हाँ अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि अगर हम समझ लीजिए कि अपनी निम्न आदतों से घिरे हुए हैं, मुझे ड्रिंक्स है, सिगरेट पीने का आदत है और ये इस तरह की निम्न आदतों से घिरे हैं, अब वहां हमें जब नहीं मिलेगा हमें तकलीफ होगी और हम उसी लेकिन निम्न स्तर के प्लेन पर ही रहेंगे तब। और तब जो आप अच्छा बात बोल रहे हो ना कि फिर आपको वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना सीखना पड़ेगा, तब आप मेंटल प्लेन पे जाओगे। और वो यही चीज अगर अपन यहाँ छोड़ देते तो अपने जम पारेंगे क्लास हाँ, और टू कई से बार फाइव में ऐसा चले भी होता जाएंगे। है कि कोई बहुत टाइम तक अगर नहीं सीखता है ना तो उसको आगे भेज करके वापस धरती पे भेज दिया जाता है कि जाओ तुम वापस धरती पर जाके सीखो। मैं थोड़ा सा नॉलेज लेके फिर जाओ, ऐसा टाइप समथिंग, ने ऊपर नहीं भेज मतलब के जैसे मतलब, कि कोई बहुत टाइम तक भी अगर किसी चीज को नहीं सीखता, बहुत रिजिड होती है राइट कोई कोई सोल ना, राइट राइट। वो क्या होता है कि फिर उसको आगे भेज दिया जाता है कि जाओ तुम वापस धरती पर जाओ और सीखो। ओके, मतलब फिर से नीचे जाओ, फिर से वो करो, फिर सीख के सीखना ही पड़ेगा, मतलब नहीं सीखोगे हाँ तब आगे नहीं जा सकते। एकदम, मतलब वो परमानेंट और नहीं होते। देखिए यहाँ पर जो होता है कि आगे के प्लेन में कुछ परमानेंट होते हैं कुछ टेम्पररी होते हैं, तो जो हमें वो साइकिल तो पूरा करना ही होगा क्योंकि कॉजल प्लेन से हम वापस धरती पर आएंगे। और एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे बॉडी के जो मेंटल बॉडी का ये सारा जो मतलब हमें छोड़ना पड़ता है, जैसे हमने हमने वस्त्र छोड़ने होते हैं ना, तो उस तरीके से हमारे अलग अलग प्लेन पर हमारी बॉडी जो अलग अलग बॉडी होती है, मेंटल बॉडी हमारी, एस्ट्रल बॉडी, तो वो अलग अलग प्लेन पर हम छोड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना सामान कहीं और पे छोड़ के कहीं और चल जाऊंगी, वो नहीं होता। तो राइट, जैसे जब भौतिक का, तो भौतिक का बॉडी तो यही छोड़ना पड़ेगा तभी हाँ अपन हाँ एस्ट्रल में जाएंगे तो ना, एस्ट्रल बॉडी दूसरी हमें तरह एस्ट्रल का। प्लेन पे छोड़नी पड़ेगी हाँ राइट, और तभी मेंटल उधर बॉडी आगे मुझे जाएंगे। मेंटल प्लेन पर, तो वो राइट क्यों राइट राइट छोड़ना पड़ता है? क्योंकि हमें फिर से जन्म लेने के लिए नई बॉडी को ग्रहण करके आना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोग को बोला ना इनवॉलेंट्री नर्व, मैंने इसीलिए शुरू में बोला, तो वो इनवॉलेंट्री नर्व हमारे मेंटल बॉडी का ही हिस्सा है और वो नए तरीके से वो वहां छोड़ दिया, फिर जब वो वापस जन्म लेता है बॉडी तो फिर अपने सारे हिस्से को वापस से ले करके वो धरती पर आता है। वो अपनी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, सब मैंने फिजिकल नहीं सॉरी एस्ट्रल बॉडी को फिर से अलग अलग लेते हुए कॉजल प्लेन पे पहले जाएगा छोड़ते हुए और फिर कॉजल प्लेन से लेते हुए वो धरती पर आएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं वासी है। जैसे कुछ परमानेंट होते हैं ना वो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो एस्ट्रल निम्न स्तर का वासी होगा ना तो वो परमानेंट आपके मेंटल प्लेन का नहीं हो सकता। कोई नॉर्मल इंसान जा करके लैब में साइंटिस्ट नहीं बन सकता ना वैसे। ओके, ठीक है, पूरा तो नहीं समझा बट हाँ काफी कुछ समझा मैम, थैंक यू। हाँ बहुत सारी चीजें, मैंने बहुत माइन्यूट चीजें हैं, उन चीजों को बार बार सुन के या जब आप कोई बुक पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात हमने वहां सुनी थी, या कोई चीज वापस से आएगा तो वो समझ आ जाता है। फिर बार बार जब दो तीन बार कुछ चीजें आपके पास बुक और इस तरह की आएगी तो आपको समझ आ जाएगा। मैम ओके तो वो, मैम तो वो एस्ट्रल बॉडी में ये सब कितना टाइम तक रहता है? कुछ टाइम लिमिट रहती है उसकी? ऐसा मुझे नहीं पता है कि कितना टाइम तक रहता है हाँ एस्ट्रल बॉडी में जो निम्न स्तर का रहता है, कई बार काफी काफी टाइम तक वो परमानेंटली भी बहुत मैंने नॉर्मल से एक सोल है मतलब, तो वो वहां पर जैसे कि बहुत ओल्ड है मतलब, तो वो वहां पर काफी टाइम तक भी रहते हैं। अच्छा, नहीं हाँ ये जैन रिलीजियंस में ऐसा बताते हैं कि मानस का, आदमी का मृत्यु हुआ कि तुरंत ही वो दूसरी जगह पे जन्म ले लेता है, ऐसा
ऐसा क्यों? क्योंकि उसने नक्की कर किया है कि इधर ही जाना है तो तुरंत उधर जाता है, जन्म ले लेता है, वो भी ऐसा होता है, है वो। ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई प्लानिंग हमारे सोल की होती है ऐसी, तो वहां चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत ही, बिकॉज वहां भी जाकर के हमें बहुत कुछ सीखना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, और सब कुछ वहां तो मिनटों में होता है, आप कितना अच्छा रास्ता जो है वो सेकंड में नहीं, पार कर लोगे, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी हमारी सूक्ष्म बॉडी है ना, तो वो फास्ट होती है, हमें जितना धरती पर समय लगता है, अभी यहाँ से मुझे दिल्ली जाना होगा तो मुझे एक दिन ट्रेन में जाऊंगी तो एक दिन फ्लाइट में जाऊंगी तो दो दो घंटे में, तो वहां फ्लाइट से भी ज्यादा फास्ट है, वहां राइट सेकंड में आप कितनी दूरी तय कर लेते हो, तो बहुत कुछ फास्ट, इतना फास्ट होता है, तो ऐसा भी महसूस होता है कि अरे ये तो बहुत जल्दी हो गया। और मैम, हमारे में बोलते हैं कि आज मृत्यु हुई कोई भी पर्सन की, तो वो 13 दिन तक घर में रहता है उसकी आत्मा। वो सच्ची बात है? ऐसा इसलिए बोलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ।